हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, से त्योहारों का सीजन हो तो हमारे यहाँ तला भुना खाना तो आम बात है, लेकिन उस बहुत से लोग आजकल तला भुना खाना अवॉइड करते हैं। आज मैं आपको केवल एक चम्मच घी से मूंग की दाल की ऐसी कचौड़ी बनाना बताऊंगी जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। साथ ही साथ इसका ऐसा मसाला बताऊंगी जिसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जब मन करे तो आप एकदम करारी कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंग की धुली दाल ली है। इसे मैंने बीनकर साफ कर लिया था। अब इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दूंगी। 4 से 5 घंटे बाद देखिए मेरी दाल अच्छे से भीग गई है। एक दाना तोड़ने पर बिल्कुल हाथ से आराम से टूट रही है। इसे हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसके साथ साथ मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें इन्हें भी थोड़ा काट कर इसमें डाल देंगे और इसके साथ बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। हमें इस दाल को बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल दरदरा पीसना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, ये सरसों का तेल है। इसमें 1 चम्मच हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स, हींग से इन कचौड़ियों का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसमें मैंने एक कप महीन बेसन लिया है। आप चाहें तो थोड़ा मोटा बेसन भी ले सकते हैं और इसे हमें लगभग आधा भून लेना है लगातार चलाते हुए। फ्रेंड, बेसन बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहिए। और ये देखिए 2 मिनट बाद ही मेरा बेसन लगभग कलर चेंज हो गया है और लगभग आधा भुन गया है। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर और अब इसमें सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट 2 चम्मच सौंफ डाल देंगे। फ्रेंड्स, सौंफ से इन कचौड़ियों का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें अपनी दाल मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें बूंद भर भी पानी का यूज़ नहीं करना है और दाल को भी इसी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले, बेसन और दाल को अब हमें अच्छी तरीके से भूनना है। यही हमारी इन कचौड़ी में मेहनत है। हमें लगातार चलाते हुए इन कचौड़ियों का इस मिक्सचर को तैयार करना है। शुरुआत में ये मिक्सचर थोड़ा कढ़ाई में लगेगा, लेकिन जैसे जैसे भुनता जाएगा ये कढ़ाई छोड़ता जाएगा। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से दाल में मिक्स कर देंगे। और देखिए थोड़ी ही देर में दाल अच्छे से भुनने लगी है। देखिए एक जगह इकट्ठी होने लगी है, लेकिन हमें दाल को अभी और भूनना है। फ्रेंड्स, अगर आप तुरंत कचौड़ी बना रहे हैं तब तो इतनी दाल भुनी हुई ठीक है, लेकिन अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो फिर आप इसे बिल्कुल अच्छे से भूनिए जब तक ये पूरी तरीके से इसमें से मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा और ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस समय मेरे घर में इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये देखिए मेरी दाल अच्छे से भुनने लगी है, इनके छोटे छोटे डेले बनते जाएंगे। इसे आप इस स्पैचुला की हेल्प से तोड़ते जाइए ताकि दाल अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए मेरी दाल थोड़ी ही देर में बिल्कुल लाल होने लगी है और ये देखिए दाल अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बिल्कुल कढ़ाई को इतने छोड़ दिया है, जरा सी भी दाल कढ़ाई में चिपक नहीं रही है। अब हम इस दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ है, इसको फैला देंगे और बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएगी ये और करारी हो जाएगी। अब देखिए ये फ्रेंड्स मेरी दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है, लेकिन इसमें मोटे मोटे दाल की गुठलियाँ बन गई हैं। इसे हम एक बार मिक्सी के जार में डालकर फिर से पीस लेंगे ताकि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमें इसे ज़्यादा भी नहीं पीसना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल पल्स पर बार बार ऑन ऑफ करके अपनी दाल को अच्छे से पीस लिया है और एकदम अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं।
ये मसाला आपका 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एज इट इज़ इसमें ऐसे ही खुशबू बनी रहेगी। और जब आपका कचौड़ी खाने का मन करे तब आप इसे निकाल कर बना सकते हैं। अब कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं या फिर मैदा ही ले सकते हैं। अब इसमें मोइन के लिए मैंने आधी कटोरी ऑयल डाल दिया है। आप कोई से भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या आप देसी घी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरे मोइन डालने से मेरे आटे की बिल्कुल अच्छे से चैन लोई बनने लगी हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है वरना ये बहुत गीला हो जाएगा। हमें एकदम बिल्कुल नॉर्मल डो चाहिए जैसा कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। और ये देखिए मेरा डो बनके तैयार हो गया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए मेरा आटा बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इसमें अच्छे से दाने से हो गए हैं और बिल्कुल आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इन आटे की बराबर बराबर 12 से 13 लोइयां बना लेंगे। इतने आटे में के फ्रेंड्स इसकी इतनी ही लोइयां बनेंगी। और ये देखिए मैंने सारी लोइयां बनाकर रख ली हैं। अब हाथ से हम इसे थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे और एक कटोरी की शेप देंगे। अब हमें जब कचौड़ी बनानी हो हम थोड़ा सा मिक्सर कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको गीले हाथ या गीला चम्मच यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल सूखे हाथ का ही यूज़ करना है। अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तो इसमें फफूंदी लग जाएगी, इसलिए इस मसाले को अच्छे से सूखे हाथ से या सूखे चम्मच से ही निकालें। और अब इस कटोरी इसमें 1 चम्मच मिक्सचर भरकर मैंने एक अच्छी सी लोई बना ली है। हाथ से हथेली पर चारों तरफ फैलाकर हम इसे बड़ा कर लेंगे। इसे आपको बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आराम से ऐसे ही बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स खस्ता कचौड़ी ज़्यादा नहीं होती हैं। और ये देखिए मेरी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। मैं एक और कचौड़ी बनाकर दिखाती हूँ। एक लोई को हम हाथ से थोड़ा सा कटोरी की शेप में फैला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच मिक्सचर डाल देंगे और इसे सब तरफ से बंद कर देंगे और एक लोई की शेप दे देंगे। अब इसे हाथ की हथेली से दबाकर हम बड़ा कर लेंगे और अंगूठों की हेल्प से बड़ा करते जाएंगे। ये देखिए मेरी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ी बनाकर रख लेंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको बेलने या किसी भी तरीके से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और ये मेरा मिक्सचर बचा है, इसे आप 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब आज मैंने अपनी कचौड़ी ये मिट्टी के अप्पा स्टैंड में बनाई है। अगर आपके पास मिट्टी का अप्पा स्टैंड नहीं हो तो आप स्टील के अप्पा स्टैंड में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लीजिए, जैसे मैंने अप्पा स्टैंड को ग्रीस किया है, और उसमें अपनी कचौड़ियों को रख दीजिए। ये देखिए मैंने अपने सारे अप्पा स्टैंड के खानों में कचौड़ियाँ बन भर के रख दी हैं। और ये देखिए मैंने सारी कचौड़ियाँ, अब इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। पूरे प्रोसेस में मात्र आधा चम्मच घी भी यूज़ नहीं होगा। और इन्हें ढककर हम ऐसे ही सिकने देंगे। ये फ्रेंड्स इस समय हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब हम दूसरे तरीके की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में घी गरम होने रख दिया था। उसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि घी अच्छे से गरम हो जाए और इसमें अपनी सारी कचौड़ियाँ डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरीके से कचौड़ियाँ बनाना बता दी हैं, ऑयल से भी और बिना ऑयल के भी। बिना ऑयल के भी कचौड़ियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं कि आप उसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये देखिए ऑयल, इस समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। एकदम तेज़ गैस पे हमें इन कचौड़ियों को नहीं सेकना है, क्योंकि ये कचौड़ियाँ बहुत जल्दी आगे से लाल हो जाती हैं लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं, फिर इन्हें खाने में वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए इन्हें लो फ्लेम पर ही हमें हल्के हल्के सेकना है। और ये देखिए कचौड़ियाँ थोड़ी देर में कितनी अच्छे से फूलने लगी हैं।
एक एक कचौड़ी अच्छी सी फूल गई है। और इधर देखिए ये अप्पा स्टैंड वाली कचौड़ियाँ भी मेरी फूल कर बड़ी हो गई हैं। अब ये देखिए इन्हें बार बार पलट पलट कर सेकने पर ये लाल होने लगी हैं। और सारी कचौड़ियों को हमें ऐसे ही लाइट पिंक कलर का सेकना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम बाजार की तरह सिककर तैयार हो गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कचौड़ियों को बाहर निकाल लेंगे। और इधर देखिए मेरी अप्पा स्टैंड की कचौड़ियां भी एक तरफ से सिक गई हैं। इन्हें पलट देंगे। दोनों तरफ ऐसे ही हमें भी इन्हें भी पलट पलट कर बार बार सेकना है। एक तरफ से देखिए थोड़ी सी सिकने लगी हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा ब्रश चला देंगे ताकि इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लग जाए। और फिर से ढककर इन्हें पकने देंगे। बार बार दो तीन बार ऐसे ही करने से हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से बनने लगेंगी। और ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से लाल होने लगी हैं। अब एक एक कचौड़ी देखिए मेरी कितने अच्छे से लाल हो गई है। ये देखिए मेरी कचौड़ी कितने अच्छे से सेक गई है। ऐसे ही हम अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे और एक एक करके सारी कचौड़ियों को ऐसे ही निकाल कर बाहर कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों तरीके की कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, बिना ऑयल की भी और ऑयल की भी। ये देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है। और ये दिन मेरी दोनों तरीके की कचौड़ियों में से आपको जो भी कचौड़ी पसंद आए तो आप उसे बनाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। साथ ही साथ आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आटे की बनी हुई कचौड़ियाँ हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।